आप लोग का प्यार था, जनता का प्यार था कि हम लोग विदा होकर आए हैं। और मैं ये कहूँगा कि आलाकमान से मैं मांग होगा, ये सरकार गठबंधन महागठबंधन की सरकार ने हम लोगों ने बनाई है, सरकार बनाने में इरफान अंसारी की बहुत बड़ी भूमिका है। और किसी के कहने पर अगर कोई निर्णय आ जाता है तो इस पर पुनर्विचार किया जाए, हम लोग जाएंगे। एक पक्ष का बात सुना गया है, दूसरी पक्ष का भी बात सुन लीजिए, आपको सच्चाई मालूम चल जाएगी। हम लोग उतने बड़े आदमी नहीं है कि एक दिन में हम लोग एक एक करोड़ रुपया हम लोग कमा लें, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, एक सौ से अधिक दिन आप वहाँ पे रहे, बहुत कुछ मिस किए होंगे। बहुत 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 मिस किया, ये काफी जर्नी काफी पेनफुल था। अगर मैं कोई गुनाह करता, आप बताइए, पैसा ये मामूली पैसा आईटी का हिसाब लेगा, मेरा इनकम टैक्स हिसाब लेगा, पुलिस कौन होती है हिसाब लेने वाला? और पुलिस ये कह रही है कि सर ऊपर मना लीजिए, आप लोग ऊपर का दबाव है। तो मैं जानना चाहता हूँ किसका दबाव था, क्या किया हमने, क्या कसूर किया, किसी को गोली मार दिया, किसका छीन लिया है? ये हमारा अपना पैसा था, हम इनकम टैक्स को जवाब दे चुके हैं, सच्चाई सामने आ चुकी है, जिसके कारण हम यहाँ हैं आज। तो बेवजह छोटा सा बात को लेकर एकदम तीर का तार बना दिया गया। और जिस तरह से हमें तो नहीं लगता क्या क्या चलाया होगा मीडिया वाला, पकड़ा गया, एक हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि हमारे सरकार गिराने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। बताइए, सीआईडी भी बोला हाँ सर, नहीं नहीं, तो खत्म हो गई बात। गिरफ्तार करवाने में किसी की भूमिका है? अब ये तो जांच का विषय है ना। जिसने 10 करोड़ रुपया का आरोप लगा दिया हम पर कि इरफान अंसारी 10 करोड़ का आरोप दे रहा है, हमारे एक साथी विधायक का एक और एक विधायक, तो हम लोगों ने मांग किया कि वर्ल्ड का जो बेस एजेंसी है आप जांच कीजिए कि हमने कब ऑफर किया, 10 करोड़ का ऑफर कब किया हमने, कोई एविडेंस है, कोई बात है, टेलीफोनिक टॉक है, लिखित दिया है मैंने, या व्हाट्सएप कॉल किया है, या मैसेज किया है, आपको एविडेंस देना होगा। हम तो खुद जाएंगे, हम खुद जाएंगे ईडी के पास, हम खुद जाएंगे सीबीआई के पास, हम खुद जाएंगे बड़ी एजेंसी के पास कि नहीं, हमारे जो आत्मसम्मान को धक्का लगा है, हम उस तरह से नहीं है, हम झारखंडी है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम उनकी तरह पूंजीपति नहीं है, माफिया नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। तो पार्टी भी तो आपके साथ खड़ी नहीं है? पार्टी को सच नहीं बताया गया, आप तो खड़े नहीं थे, आप लोग को भी जो प्रथम दृष्टया दिखाया गया आप लोग भी चलाए होंगे पूरा, कि पकड़ा गया, ये किया, वो किया, कैश कांड, कोर्ट नहीं बोला कैश, किस बात है कैश कांड, ये पैसा दिन का है, मैंने इनकम टैक्स को बताया था, कांड कैसे हो गया, कैश कहाँ से आ गया? ये हम लोग तो पहले से सरकार को बनाने में हमारी भूमिका बहुत अधिक है, तो हम गिराने का नहीं सोच सकते हैं। और ये जो साजिश जिसने साजिश रचा, जिसने एक सरकार को गुमराह किया, हम आलाकमान को भी गुमराह कर दिया, और ये कहा हम लोग को कि इनके गाड़ी में 10 करोड़ रुपया से अधिक पैसा है। बंगाल पुलिस, हमारे आलाकमान भी गुमराह हो गए, आलाकमान ने फोन कर दिया बंगाल को और हमारी गाड़ी चेक हुई, हमारे बैग से मात्र 15 लाख, इनके बैग से 16 लाख, इनके बैग से 17 लाख रुपए में निकले, और सारे पैसे को इकट्ठा कर दिया और दिखाया कि 48 लाख रुपए बरामद हुआ। तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि 48 लाख जो है वो तो काम आईटी का है, इनकम टैक्स का है, आप लोग पुलिस लोग इतना हाई तवा क्यों मचा दिए हैं? तो कहीं न कहीं साफ निर्देश भी दे दिया गया है कि हम लोग बेदाग हैं, और जो साजिश रचता है उनके एफआईआर में भी कोर्ट ने टिप्पणी की। नहीं तो क्या तो ये साजिश पार्टी के द्वारा रची गई थी? बिल्कुल नहीं, देखिए पार्टी अनूप सिंह पार्टी है क्या? नहीं, ऐसा मत बोलिए, पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी ने एक पक्ष का बात सुना है, अभी हम लोग अपनी बात को रखेंगे, दिल्ली जाएंगे और विस्तृत बात बताएंगे। कोर्ट का जो कोर्ट ने फाइंडिंग जो दिया है, सारा सीबीआई सीआईडी वगैरह जितना बंगाल पुलिस सबका जांच रिपोर्ट के बाद ही वर्डिक्ट आया है, हम लोग निर्दोष साबित हुए हैं। हम लोग देखिए, हम लोगों ने कहा है कि इस वर्ल्ड के जो सबसे बेस्ट एजेंसी जो है उससे भी जांच करा लीजिए आप, हम लोग निर्दोष पाएंगे। और रही बात 10 करोड़ जो आरोप लगाया गया कि अनूप सिंह, नेहा तिर्की और भूषण बाड़ा, जो 10 करोड़ का आरोप लगाया है, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि मेरा अनूप सिंह से 1 साल से बात नहीं हुआ, ना व्हाट्सएप से, ना टेलीफोनिक से, ना किसी अन्य माध्यम से। आपको सबूत कर देना होगा, आप जो आरोप लगाए हैं आपको प्रमाण करना होगा, ये अच्छी बात नहीं। हम लोग ग्रास रूट से आते हैं, हम लोग स्थानीय हैं, हम लोग लोकल हैं, और एक बाहरी आदमी आके हम लोग साजिश रच देगा, कहेगा 20 करोड़ 10 करोड़ का इल्जाम लगा देगा, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग आगे हैं, आगे देखिए बाहरी इसमें कौन है, अनूप जी तो पार्टी के कहने पे इसमें 0 FIR किया। नहीं नहीं, देखिए ये देखिए, अनूप जी को आप तो नहीं जानते, एक मिनट, अनूप जी को मैं जानता हूँ बढ़िया से, अनूप जी को मैं बचपन से जानता हूँ, ये हमेशा 2 नंबर लोगों से घिरा रहा है, तो पार्टी आलाकमान को गुमराह हो गए,
हम लोग रखेंगे अपनी बात को और सच बात रखेंगे। एक हमारे एक साथी विधायक के द्वारा, और वो भी पहला, आपने देखा होगा कि पहले हमारी अरेस्टिंग होती है उसके बाद में जीरो FIR होता है। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को परेशान, दूसरे जानवर को खाता नहीं है, लेकिन एक पार्टी का विधायक दूसरे विधायक पे केस कर रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। मैं इतना आप सब हमको बता देना चाहूंगा कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ और अपने निजी महत्व है, यहाँ तक कि मीडिया को भी गुमराह किया है। ये जो प्रकरण है, ये घटना है, ये सरकार गिराने से कहीं भी कोई संबंध नहीं रखता है। इस घटना का संबंध सरकार को बचाने से लेके है। आज तक आप लोगों ने सिर्फ सरकार गिराने की बात कही है, जबकि इस घटना का संबंध सरकार को लेके किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं है अभी तक। इसलिए हम दावे ने निजी स्वार्थ और अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सरकार को गुमराह किया, हमारे पार्टी को गुमराह किया और मीडिया को भी गुमराह किया। आप लोगों ने भी जनता तक सही बातों को नहीं पहुंचने दिया। चूंकि ये सरकार गिराने का मामला नहीं था, ये सरकार बचाने का मामला था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।